Siguiendo ahí. मैम ऐसे वेक्टर बना रहे रेस का, तो ये वन, ये ओ ऑफ वन कैसे हुआ? जी ये वेक्टर बना रहे ना रेस जी का, तो ये वेक्टर है ये तो इसका आउटपुट कि है ना, ये तो आउटपुट के लिए बना रहा ना। तो आउटपुट वाले के अंदर भी तो ये अपेंड ही करा रहे, तो अगर आउटपुट हम बना सकते हैं उसी का, आप एक्स्ट्रा स्पेस उसको नहीं कहेंगे, आउटपुट है। क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही। नाम सॉफ्ट ऑफ मेरा नाम तो आई माइनस वन। ठीक है, ये एब्सोल्यूट इसलिए लगाया है क्योंकि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसको पॉजिटिव बना दे, फिर रेंज उसे भी नहीं माइनस। होगा ना, तो रेंज में नेगेटिव नंबर कैसे हो सकता है। बस बस नहीं, आई नेगेटिव नहीं है, लम्स आई नेगेटिव, यानी कि वन वन से लेके एन तक में नेगेटिव कैसे आया? अच्छा, नेगेटिव इस तरह से आया क्योंकि देखें जब वो इक्वल्स टू करके असाइन कर रहा है ना, तब नेगेटिव वैल्यू हो रहा है। सो बाय मेकिंग नंबर नेगेटिव देन वी इटरेट थ्रू एरे अगेन एंड ईच नंबर दैट इज पॉजिटिव वी नो वी नेवर सॉ दैट इंडेक्स एंड वी कैन एड इट टू रेस्ट। ओके, we know that all the numbers are irrelevant, so we are not indices of the numbers we saw, but making number negative, then we return to the happy and each number that is positive. Saw that. भाई बेसिकली मुझे जो समझ में आया ना, ये वाला सोल्यूशन वो ये है कि आप क्या कर रहे हो कि जो भी इंडेक्स पे हो ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडेक्स वन पे हो तो इंडेक्स वन पे जो भी नंबर पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडेक्स वन पे अगर नंबर 4 पड़ा हुआ है, तो वो आपने क्या करना है कि उसको जो एक्चुअल इंडेक्स पे जो 4, अगर वन इंडेक्स पे नंबर 4 पड़ा हुआ है तो जो एक्चुअली जो एरे की इंडेक्स 4 है उसके ऊपर जो नंबर है उसको आपने नेगेटिव कर देना है, उसको यू नो उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर देना है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। सही है, ऐसे करते करते आप फिर आप सेकेंड इंडेक्स देखोगे, सेकेंड इंडेक्स है फॉर एग्जांपल नंबर 7 पड़ा हुआ है, सही है, और लिस्ट की लेंथ भी 7 या उससे बड़ी है, व्हाटएवर, तो आप क्या करोगे फिर जो 7th इंडेक्स के ऊपर नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दोगे। ऐसे करते हुए आप पूरी अरे में से इटरेट करोगे, फिर क्या कहते हैं जो नंबर जो हैं आप वो करोगे, फिर आप अगले लूप में आप चेक करोगे भाई जो नंबर भी जो है वो ग्रेटर देन आई, मतलब जो आपका आई इटरेटर चल रहा है अगर वो ग्रेटर देन 0 उसका वो आ रहा है तो फिर वो वाला नंबर रिटर्न करने हैं, वरना बाकी जो नेगेटिव वाले नंबर उनको इग्नोर करना है। ये स्टोरी है। यहाँ पे एरे लिख लेते हैं क्या। ये देखें सर, मैम एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। ये वाला सॉल्यूशन जिसकी जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ये है। बस, यहाँ पे क्या इसने करा है, इसने सेट लिया, सेट ऑफ नंबर्स, और देखिए रेंज बनाया। अब यहाँ पर आप लोग क्या कहेंगे। नहीं तो ये तो वो नहीं है ना, वो ऑफ वन वाला ये नहीं है, ये ऊपर वाला ऑफ वन वाला है, ये नहीं है वो ऑफ वन वाला ना, यार ये भी आउटपुट में तो नहीं उस काउंट। एंड उस कहा था ना कि आउटपुट वाली अगर जो रिजल्ट वाली आप वो कर रहे हैं तो उसके लिए वो नहीं काउंट करेंगे, उसको उसको वो ऑफ वन ही कंसिडर करेंगे, तो उसने क्वेश्चन में कहा था ना। ये वन लाइनर भी नहीं होगा ऑफ वन। नहीं ना, ऑफ वन में भैया आप अलग से सेट बना रहे हो ना, सेट तो आप फिर बना रहे हो, एक उसका भी सेट बना रहे हो, उसका भी सेट बना रहे हो, तो वो अगर सिर्फ एक रिजल्ट वाला होता तो उसके उसमें फिर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो दूसरे के लिए भी आप पहले बना रहे हो ना सेट। ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ दूसरे के लिए सेट बना रहे हैं इसलिए ये ऑफ एन है, तो नया सेट बन रहा है तो नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। सही अच्छा, 8 इंडेक्स की एक एरर बन रही है, इसमें देख लो था हम कर क्या रहा है। यहाँ से पिक करेगा नाम सॉफ्ट
नम्स ऑफ आई माइनस वन का। नम्स ऑफ आई पे क्या है, फोर है। जॉब भी ये वही वाला है लेकिन पाइथन में। हाँ मतलब ये कॉन्सेप्ट वही है, बट वो जो मैं जो बात कर रहा था ना, ये वो वाला है कि आप उसका बस वो जो भी इंडेक्स पे जो भी आप उसको विजिट करते जा रहे हो, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट इंडेक्स नंबर जो कि एक्चुअल जो वहाँ पे एरिया में, वो मैंने जो पहले समझाया था, फिर से समझाऊँ? हाँ यार अच्छा भाई, बेसिकली से बेसिकली अपना क्या नाम है भाई, फॉर एग्जांपल हमारी एरे है, उसके अंदर पड़ा हुआ है 0th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 3, सही है ना? 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है 7, 2 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है आई डोंट नो 1, सही है? और ऐसे करके इंडेक्स और लंबी है, उसमें वो जम्बल्ड अप नंबर्स पड़े हुए हैं, राइट? सही है। तो अब जब हम लोग अपने 0th इंडेक्स पे होंगे, तो हम लोग देखेंगे हमारे 0th इंडेक्स पे 3 पड़ा हुआ था, सही? तो हम लोग देखेंगे कि भाई 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो 3 है, ओके? तो जो एरे में जो 3rd इंडेक्स है, जो 3 नंबर से कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 3rd इंडेक्स, तो 3rd इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है? तो 3rd इंडेक्स पे वो देखेगा कि भाई 1 पड़ा हुआ है, सही है? तो वो 1 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देगा, उसको कर देगा कि भाई इसको मैंने विजिट कर लिया, सही है? इस तरह से कर रहा है वो। फिर ऐसे फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, तो 1 इंडेक्स पे देखेगा 1 इंडेक्स पे 7 पड़ा हुआ है, तो 7 को जो है फिर वो देखेगा कि एरे में एक्चुअल 7th इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, सही है? तो यार भाई ओके आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, मैं कर भी नहीं रहा हूँ स्क्रीन शेयर, मैं तो आपकी इमेजिनेशन से बात कर रहा हूँ। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप एनोटेट कर दीजिएगा। हाँ ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा जवाब पे, इतनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग था यार। आप जैसी होती तो अभी हम सॉल्व नहीं कर चुके। हाँ नहीं, बस काश मेरी भी ऐसी हो जाए। अच्छी, अच्छा ये है। हाँ भाई, ये बात हो रही है थी। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अब जब इस इंडेक्स पे हम लोग आए उस कोड के मुताबिक, तो हम लोगों ने चेक किया कि 4th एलिमेंट क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 4th एलिमेंट पे 8 पड़ा हुआ है, सही है? तो 4th को हम लोग मल्टीप्लाई बाय -1 कर देंगे यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई बाय -1 हो गया, सही है जी? फिर ऐसे करके हम लोग नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट पे हम लोगों ने 3 के ऊपर आए, 3 के ऊपर हम लोगों ने देखा कि 3 पड़ा हुआ है, तो 3rd पे क्या है भाई, 0, 1, 2, 3, 3, 3rd पे 7 है, फिर हम लोग 7 को -1 कर देंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -7 हो जाएगा, सही है? और एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं इंडेक्स, इंडेक्स को हम लोग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, सही है? बिकॉज वो 0 तो नहीं होगा ना इसके अंदर, 0 से ग्रेटर है, इन्होंने कंस्ट्रेंट्स में नीचे कहा हुआ है, तो हमें अपना इंडेक्स जो है वो 1 से स्टार्ट करना है। तो वट एवर जो भी होगा उसको हम लोग वो -1 करके वो चेक करेंगे, लाइक अगर यहाँ पे हम लोग, यहाँ से हम लोग 1 कंसिडर करेंगे इसको, 1 इंडेक्स, सही है? फिर 1, 2, 3, 4, तो 4 पे ये -7 को जो हम लोग मल्टीप्लाई पे -1 करेंगे, तो ये -7 हो जाएगा फिर, सही है? ये -7 हो गया, इसका मतलब है कि ये विजिटेड है, सही है? ऐसे करते करते हम लोग नंबर 3 पे आए, नंबर 3 पे हमने देखा कि अच्छा भाई सेकेंड इंडेक्स है, ये सेकेंड इंडेक्स था, ये यहाँ पे 3 पे आए, तो 1, 2, तो हम लोग जो है इसको 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है? इसका मतलब ये हो रहा है बेसिकली कि ये वाले नंबर जो है, लाइक अगर फर्स्ट इंडेक्स पे जो नंबर 1 होना चाहिए था, हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, सही है? कि फर्स्ट इंडेक्स पे 1 होना चाहिए था, 2 के ऊपर 2 होना चाहिए था, बट 1 के ऊपर 4 पड़ा हुआ है, तो जो भी 4 इंडेक्स के ऊपर नंबर पड़ा हुआ है उसको हम लोग मल्टीप्लाई -1 कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये वाला इंडेक्स से कॉरिस्पॉन्ड करने वाला नंबर ऑलरेडी है, सही है? ऐसे करके हम लोग पूरा आगे बढ़ रहे हैं, एंड तक जो जो नंबर जो है हम लोग को अपने इंडेक्स से मिलेगा, उसको हम लोग अपने इंडेक्स से नहीं मिलेगा, अपने इंडेक्स से अलग मिलेगा उसको, मतलब हम लोग वो मतलब वो कर देंगे, जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना इसमें जो आप इंडेक्स के से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे होंगे, उनको हम लोग मल्टीप्लाई -1 कर देंगे, सही है? फिर उसके बाद दूसरे जो लूप चलेगा उसके अंदर हम लोग देखते रहेंगे कि भाई जो भी नंबर जो है वो हमारा लाइक आई और जे से न्यूमरेट वाला करके करेंगे, सही है? और वो भी स्टार्ट 1 से, 1 से स्टार्ट करेंगे अपना इंडेक्स,
तो उसके अंदर जो है जो भी फिर हमारा वो उसमें वो ग्रेटर देन 0 होगा वो जो है हम लोग वो हम कर 1 से देंगे। क्यों स्टार्ट करें, क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट में दिया हुआ है 1। वन दिया हुआ है ना, कह रहे हैं कि वो उसके अंदर जो है 1 से बड़ा ही होंगे, तो इसलिए हम लोग वो इंडेक्स को 0 कंसिडर नहीं करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। यहाँ भी उसने कहा ना कि रेंज ऑफ 1 से लेके अंत तक, तो वो अपने इंडेक्स को उसके साथ मैच करने की कोशिश। ऑब्वियसली हम लोग जो मिसिंग एलिमेंट है वो हम लोग अपने इंडेक्स नंबर से निकाल रहे हैं ना, इंडेक्स का जो नंबर है उससे हम लोग मिसिंग नंबर निकाल रहे हैं। अच्छा, तो हम इसको एक ही दफा सॉर्ट कर, तो हम प्रीवियस नंबर के साथ उसको कंपेयर कर देखने के, अगर वो उससे 1 नंबर प्लस करके उसे भरा आ रहा है तो हम उसको ऐसे रहने दे, अगर नहीं आ रहा होगा तो शॉर्ट हम में तो लोग फिर नहीं। प्रॉब्लम वो आ जाएगा ना, शॉर्ट में तो वो की ना है वो हो जाएगा ना यार, लॉग वो मसला बन जाएगा ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला। एक ट्राई मैं भी लूँ समझाने की, शायद मुझे इस तरह करके कुछ खुद समझना चाहिए। मैं कह शेयरिंग राइट्स दीजिएगा, जब भी कंफर्म करते रहना, सेट है। जी, मैं स्टॉप कर देती हूँ, आप शेयर कर लें। नहीं, शेयरिंग राइट्स नहीं है जी सर, आप शेयर कर लें। अभी, ये स्क्रीन नजर आ रही है ना। इसमें सबसे पहले हम इस लूप को देखेंगे, इसको अभी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कह रहा है, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आई को बता देते हैं आई क्या क्या होंगे। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, तो इसका मतलब है कि ये होगा 0 से लेके 7 तक, ठीक हो गया, क्योंकि हम आखिरी वाले को अवॉइड करते हैं ना। फिर हम आते हैं टेम्प इक्वल्स टू एब्सोल्यूट नम्स आई फिर -1। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 0th इंडेक्स पर से 4 रखा हुआ है, ठीक। तो इसने क्या करा, इसने 4 का एब्सोल्यूट लिया, अगर नेगेटिव होता तो वो भी 4 बन जाता, और इसे -1 करा दिया, तो पहली टेम्प के अंदर वैल्यू आई y3, ठीक हो गया। ठीक, आते हैं इफ नम्स टेम्प, अब अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो नम्स में 3 क्या कहलाएगा, ये 0 है, 1 2 और ये 3, तो 7 पे 3 रखा हुआ, 3 ये 3rd इंडेक्स पे 7 रखा हुआ है, ठीक है, और 7 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो आप क्या करें, आप 7 को नेगेटिव बना दें, ठीक है, यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो, तो अब आपके पास ये जो है ये 7 नेगेटिव में मौजूद होगा, ठीक। हम इसके नीचे एक और एरे बना देते हैं ताकि वो आसान रहे, तो अभी इस पोजीशन पर -7 आ गया, फिर ये दोबारा ऊपर गया, इसने अब 0 के बाद 1 के ऊपर चला गया, और 1 पे इसने जाके देखा कि नम्स आई के 1 पर क्या रखा हुआ है, इसने कहा 3, ठीक है, इसने एब्सोल्यूट लिया 3 का और -1 करा दिया, तो अब 3 के बजाय क्या हो गया, 2 हो गया, सही है, ये 1 3 पर गया और 3 में से -1 करा दिया इस पोजीशन पर, तो ये बन गया 2। इसका नम्स 10 यानी कि नम्स 2 अगर ग्रेटर देन 0 तो 0 1 2 और 2nd इंडेक्स पर 2 रखा हुआ है और 2 0 से बड़ा है, तो इसने क्या करा, इसने कहा कि 2 को नेगेटिव बना देना, सही। तो यहां पर आया -2, ठीक हो गया। फिर हम इसे यहां से अब इसे बढ़ा देते हैं ताकि नेक्स्ट वाले की बारी आए, फिर आई चला, अब हमने 0 भी कवर कर लिया है और 1, हाँ 1 भी कवर कर लिया हमने, अब हम 2 के ऊपर आते हैं, सही। अब हम 2, ये आई आई अभी 2, अभी आई 2 है, सही। तो हमने देखा नम्स आई जो 2 है ये क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है 0 1 2, यहाँ पे 2 आया और 2 में से 1 माइनस करा दिया, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बचा, सही। इसने देखा नम्स 1
यहाँ पे वन आ गया, तो नम्स वन अगर 0 से ज्यादा हो, तो नम्स में वन जो है वो 3 है, और 3 0 से ज्यादा था, तो इसने क्या करा, उसे नेगेटिव बना दिया, इसने -3 कर दिया। फिर इसने क्या करा, फिर इसने एक और इटरेशन ली। अब हमने 2D देख लिया, अब हम 3 पर आ गए, तो 3 इसने देखा नम्स 3, तो 0 1 2 3, और नम्स 3 पर -7 रखा हुआ था, तो इसने क्या करा, -7 में से -7 का एब्सोल्यूट लिया, तो ये हो गया +7। इसको मैं मिटा देता हूँ, तो ये -7 था, लेकिन चूंकि हमने एब्सोल्यूट करा तो अब ये पॉजिटिव बन गया, सही है, और इसमें से 1 माइनस माइनस करा दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, 6। ठीक है, मैं इसे और क्लियर करके लिख देता हूँ कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 1 था, हमने देखा कि नम्स 1, तो 0 1 नहीं, यहाँ पर है नम्स 1, हमने 3, हम 3 को देख रहे हैं, 3 को, तो नम्स 3, तो ये आया 0 1 2 3, ये -7 यहाँ से उतरा, -7 उस पर एब्सोल्यूट अप्लाई करा, तो ये पॉजिटिव बन गया, इसमें से -1 कराया, तो ये 6 बन गया। ठीक है, अच्छा 6 हो गया टेम्प। हमने कहा क्या नम 6 0 से बड़ा है, तो हमने यस देखा 0 1 2 3 4 5 6, 6 पे 3 रखा हुआ था, हमने कहा जी 3 0 से बड़ा है, तो हमने कहा -3 बना दो उसे। ठीक है, अभी इसे छोड़ देते हैं, 8 को भी छोड़ देते हैं, 2 को भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पे -3 बना दिया। अब हमने 3 भी देख लिया, तो बारी आई 4 की, ये ऊपर थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ और इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने 0 देख लिया है, 1 देख लिया है, 2 देख लिया है, 3 देख लिया है, और 4 की बारी आई, डम्स 4, 0 1 2 3 4, यहाँ पे 8 रखा हुआ है, हमने 8 में से -1 कराया, तो 7 हो गया, हमने कहा अच्छा ये 7 हो गया है, तो यहाँ नम 7 में चेक करें, तो नम 7 क्या आएगा, ये 4 4 5 6 7, 7 आखिरी वाली वैल्यू आएगी 1, तो 1 0 से बड़ा है, जी 1 0 से बड़ा है, तो क्या करना, यहाँ पे इसकी जगह 1 है, तो इसे -1 बना देना, तो ये -1 बन गया। सही है, फिर क्या हुआ, 4 भी खत्म हो गया, इसके बाद आया 5 की बारी, हमें 7 तक जाना है, सही, तो 5 की बारी आई, हमने कहा ठीक है नम्स आई 5 चेक करो, तो नम्स आई 5 क्या है, 0 1 2 3, यहाँ 4 और 5, इस पर 2 रखा हुआ था, इसने कहा अच्छा 2 0 से बड़ा है, हमने कहा जी 2 0 से बड़ा है, फिर क्या करो, 2 जब 0 से बड़ा है, तो 2 को नेगेटिव बना देगा, तो इसने यहाँ पे -2 बना दिया। ठीक है, क्यों बिठा, इसने यहाँ पे -2 कर दिया, क्योंकि 2 0 से बड़ा था, उसे नेगेटिव बना तो दिया। -2 में से -1 क्यों नहीं गया फिर? अब -1 भी तो कर रहे हैं साथ। बिल्कुल सही, मेरी गलती और आप, आप जो -1 किया है तो वो भी आपने मेरे ख्याल से माइनस नहीं किया। -1 -1 करते तो वो क्या हो जाता, -2। -1 नहीं था वो, यहाँ पे पॉजिटिव था, तो नेगेटिव हो गया जाकर। अगर ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये फोर्थ पे कहलाएगा ना 1, तो फोर्थ वाले को अगर हम देखें तो 0 1 2 3 4, 4 पे 8 था, 8 -1 7 हुआ, नम 7 करें तो वो 1 था, नहीं, यहाँ पे -1 ही आएगा। देखें मैंने क्या करा, यहाँ पे 8 -1 करा है, तो 8 -1 7 हुआ, तो 7 जो 7 इंडेक्स पर 1 रखा हुआ था, तो डायरेक्ट यहाँ पे बेसिकली 1 आया, तो 1 into -1 इज -1, सही, ठीक ओके हो गया। फिर हम आते हैं यहाँ पर, फिर हमने 4th बार 5 को देखा, तो यहाँ 4 और
जिसे 5 कहते हैं। तो 5 पे 2 रखा हुआ था, 2 माइनस 1 1 होता है, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और हमने 1 पे चेक करा तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1 0 से बड़ा है। हमने कहा नहीं 1 0 से बड़ा नहीं है क्योंकि 1 पे तो -3 मौजूद है। हमने कहा अच्छा इसे इग्नोर कर दो, अभी हमें इसे फिर चेंज नहीं करना। तो 5 भी कट हो गया। फिर ये आया 6 के बेसिकली ऊपर, भी रह गया। हाँ तो यहाँ 6 पे 3 आ गया, 3 में से 1 माइनस करा 2 आ गया, और 2 2 भी 0 से बड़ा था क्योंकि उसपे माइनस, ये 2 भी 0 से छोटा था क्योंकि उसपे -2 रखा हुआ था, तो 2 को भी इग्नोर कर दिया। तो 6 भी कट गया। और फिर क्या करा, 7 की बारी आई। 7 पर इसने क्या करा, इसने कहा नम्स आई 7। तो 7 पे 1 रखा हुआ, यहाँ पे 7 पे -1 था, सही है। और -1, अच्छा हम हम ये -1 भी तो कराना पड़ेगा ना हमें, हम -1 भी तो कराए, माइनस माइनस तो वो, लेकिन फिर भी माइनस माइनस भी माइनस ही माइनस होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस माइनस है ना। प्लस होता है ना। यही तो मैं बोल रही थी। नहीं माइनस माइनस प्लस नहीं होता, माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस इनटू माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, हाँ लेकिन अच्छा ये वाली पार्ट सही है। माइनस, माइनस माइनस टू इक्वल्स टू -4, लेकिन माइनस टू इनटू माइनस टू इक्वल्स टू 4, क्योंकि माइनस ठीक माइनस को काट। है तो यहाँ पे तो एब्सोल्यूट ले रहे हैं ना ब्रो, तो वो तो 1 माइनस वो हो जाएगा ना, वो एब्सोल्यूट ले रहा है, इसलिए तो एब्सोल्यूट ले रहा है ताकि अगर पहले से नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका एब्सोल्यूट ले। तो हाँ एब्सोल्यूट लेने के बावजूद भी कोई अफेक्ट पड़ रहा है, आप 1 मिनट देखना। ऑब्वियसली 1 माइनस 1 तो फिर 0 हो जाएगा ना, 1 माइनस 1 0 हाँ हो यही गया। तो मैं कह रही थी, हाँ तो वो फाइन तो इनवर्स जीरो वैल्यू होना हो चाहिए था, गया। वो जीरो क्यों नहीं हो रहा। हाँ तो 0 हो गया ना, 0 हो गया तो फिर 4 पर जाएगा, 4 जाए वापस से नेगेटिव है। सही 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 सही। तो हम 5 और 6 पे हमने करा था। तो 5 के ऊपर अगर हम देखें तो ये था 2, और 2 को इसने चेक करा तो 2 माइनस 1 1 हो गया। और फिर इसने 1 को चेक करा तो फर्स्ट पोजी 2 माइनस 1 1 होता है, तो उस पर -2 रखा होता है, तो इसने इग्नोर कर दिया। तो 5 तो बिल्कुल सही है ना, ठीक है। सही है ना। फिर इसके बाद हम आते हैं 6 के ऊपर। तो 6 पोजीशन पर रखा हुआ था 3 यहाँ पे, हाँ 6 पोजीशन पर -3 रखा हुआ था, तो -3 -1 इक्वल्स टू -4, सही। लेकिन ये हमने एब्सोल्यूट बना दिया तो ये अब 2 कहलाएगा, वो एब्सोल्यूट भी देगा अलग पंचायत है। तो ये 3 माइनस 1 ये 2 हो गया, ठीक। फिर हमने देखा 2 पोजीशन पे क्या, हमने कहा 0 1 2, तो 2 पे -2 रखा हुआ है, चूंकि -2 0 से छोटा है तो इसे इग्नोर कर देना, सही ओके है ना, क्योंकि 2 पोजीशन पर -2 रखा हुआ है हाँ बस अब ये। वो काम हो चुका है, अब अगली वाली की बारी आ गई है। अब अगली वाले में जो है बस जो बच रहे हैं उसमें वो हमने करनी है, जो भी नेगेटिव नहीं। तो सेवन इंडेक्स पर, यहाँ पे 7 पे ऑलरेडी -1 रखा हुआ है, तो -1 -1 -2 होता है, और ये इसे यार एब्सोल्यूट बना दो यार माइनस, तो ये 0 हो गया, सही है। तो 1 माइनस 1 ये 1 माइनस 1 0 हो गया, और 0 इंडेक्स पे 4 रखा हुआ है, 4 चूंकि 0 से बड़ा है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 1, ये -1 करके इसे भी -4 कर दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो 2 पोजीशंस बची हैं वो कौन सी बची हैं भाई, वो बची हैं वो एक 8 वाली और एक 2 वाली, ओके ये 2 बची हैं। अब इसने नीचे आया, इसने कहा कि देखें फॉर आई और एन, यानी कि इंडेक्स और उसकी वैल्यू, सही है, ये इंडेक्स है और ये उसकी वैल्यू है। नम्स के अंदर आना, अब ये नए वाला नम्स है, और इसमें आके देखना इफ एन इज ग्रेटर देन 0, देखिए इफ एन इज ग्रेटर देन 0 तो आई +1 कर देना, ठीक। हमने देखा कि यार जो एक तो 5th वाली 8 से बिलोंग करता था और एक 6 पे बिलोंग करता था, नहीं, ये 4 है, इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, वो थोड़ा सा है ना ऐसा लग रहा है, ये 0 1 2 3 और ये 8 4 पर है, ठीक है, ये 4 का इंडेक्स है और ये 2 5th इंडेक्स है। तो इसने क्या करा कि जो पॉजिटिव नंबर मिले उसे
उसकी इंडेक्स में प्लस वन कर देना, तो 4 + 1 हो गया फाइव, और फाइव प्लस गया सिक्स, और इसने रेस्ट सिक्स। करा दिया और रेस्ट बन गया फाइव सिक्स। हाँ वो प्लस अगर नहीं कराना तो न्यूमरेटर में स्टार्ट इक्वल्स टू 1 कर दें, बस वो प्लस नहीं कराना पड़ेगा। हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। नहीं भाई, इन्यूमिरेट नहीं, वो रेंज करके, इन्यूमिरेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो फिर है ना कोड बदल जाएगा, यानी कि इसको हटा दो और यहाँ पर डाल दो रेंज, और इसको कर दो 1 to n, है ना, 1 to n करने के बाद यहाँ पे कर दो क्या कहते हैं, यहाँ पे तो n नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे नम्स के अंदर, और ये इसको कर दो लेंथ, लेंथ ऑफ नम्स, यानी कि आखिरी वैल्यू तक चेक करें, और यहाँ पर आई कर दो, सही है, अब सही रहेगा, अब सही रहेगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये इनिशियल वाले को इग्नोर कर देगा जो 0th इंडेक्स पे होगा। जानी जानी भाई, मैं तो सिर्फ कह रहा था कि एनुमेरेट में स्टार्ट इक्वल्स टू नम स्टार्ट इक्वल्स टू 1 कर लेना, बस उसमें काम हो जाता है। वो तो ऐसे अपेंड में i+1 नहीं करना पड़ता, बस वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, भले ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनोवरेट पे 1 कैसे, यहां से ये यूं होता है, नहीं, नम्स आगे, ये पीछे करो, इसको डिलीट करो 1। हाँ नम्स के आगे जाओ, कॉमा डालो, हाँ स्टार्ट इक्वल्स टू 1। अभी तो अभी i+1 हटा दो, अपेंड अपेंड i में से +1 हटा दो फिर सही, बस। हाँ से चलाते हैं। मुझे भाई इसका अंदाजा नहीं था, मैं माजा चाहता हूँ स्टार्ट का, कि स्टार्ट होता है, मुझे बिजनेस सिर्फ इन्यूमरेट और नाम्स का पता है, हाँ लेकिन एटलीस्ट मिटा के, भले आप लोग अगर देखना चाहें तो, लेकिन इस क्लियर हो गया ना कि कैसे ये सब हुआ है। लेकिन जरूरी हाँ जरूरी नहीं है कि स्टार्ट पे वो 0 से 1 से ही करें, अगर 0 से करते हैं तो वो नीचे अपेंड में i+1 कर दें तो उससे भी हो जाएगा, स्टार्ट आप 0 से कर दें हाँ वो वो नीचे पहले से। वैसा ही था। हाँ वो तो ऐसे ही उसके लिए बोला, लेकिन लेकिन मैंने बोला तो किसी का फायदा हो गया, अली भाई के पास चल गया, मैं तो हाँ ऐसे ही बोला नहीं था भाई वो तो। नहीं एक तो फायदा भी हो गया कि मुझे पता चल गया, उसके लिए जवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक दूसरी बात है, देखें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक अपनी जगह है, ठीक है एक चीज, लेकिन ऑपरेशन की परफॉर्मेंस कॉस्ट भी होती है, सही है, जो तो इसमें आप हर दफा एक ऑपरेशन कर रहे हैं एडिशनल +1 का, आप समझ रहे हैं, ये चीज जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक एब्स्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मशीन के ऊपर भी आप लोड डालेंगे अगर आप हर बार 1 + 1 का ऑपरेशन कर रहे हैं। ये इतनी सी लिमिटेड एरे में तो ठीक है, लेकिन मिसाल तौर तो पर 1 बिलियन अगर एलिमेंट्स होते तो मसला फिर था। तो ये क्लियर है, दूसरे क्वेश्चन पे जाए। जी सर जी, थैंक थैंक यू जवाद भाई, थैंक यू मैम, थैंक यू मोहन भाई, आए दूसरे पे खेलते हैं। अब मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग, मैम मीना नहीं आई है, तो आप में से कोई शेयर करना चाहेगा कोई दूसरा सवाल? तो जवाब ने शेयर किया है क्वेश्चन ने। सही जवाब है, शेयर क्या है, फाइंड दी। हाँ जब जी आप सर, अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे या मैं करूं? जाओ भाई म्यूट है। मैं करती हूँ सर स्क्रीनशॉट। अच्छा अच्छा सही मैं म्यूट था, मुझे पता नहीं था, सॉरी मैं बातें कर रहा था। खैर यहाँ खैर यहाँ खैर। नहीं किया हुआ मैंने। मीडियम अभी कहते हैं ओके।
क्वेश्चन तो रेडी है। ठीक आपको मैम क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी, हर वर्ष एक अड़े दी हुई है और हमने उसमें से जो उसका नेक्स्ट नेबर होगा उसमें से जो पीक एलिमेंट होगा हमने उसका इंडेक्स रिटर्न करवाना है। ठीक है, और पीक एलिमेंट कौन सा होगा? जैसे उसकी डेफिनेशन क्या आप समझ आ रही है? पीक एलिमेंट जो भी अरे में सबसे हाईएस्ट एलिमेंट होगा, और सही, अगर यानी मल्टीपल पीक एलिमेंट हो गए तो हम कोई भी रिटर्न करवा सकते हैं, बस वो अपने नेबर से वो बड़ा होना चाहिए। सही। जैसे यहाँ पे 3 है, तो 3 2 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। एग्जैक्टली, और सेकंड में 6 भर रहे हैं तो हाँ अपने प्रीवियस वाले सबसे बड़े हैं इसलिए उसका इंडेक्स 5 सिक्स जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक ठीक तो ये मीडियम बिल्कुल इतना शरीफ नहीं है, कितना आसान थे। तो सर। लॉजिक डिफिकल्ट हो गई, लॉजिक बनाना। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या चेक करेंगे, यहाँ पर आप चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर आप क्या चेक कर रहे होंगे यहाँ पे ना मैं कैसे पर्सनल। सोच हाँ जी, आपने आपने मैं कैसे सोच रही थी कि हम ना एवरी टाइम हम यहाँ से मतलब कि सेकंड इंडेक्स से हम नंबर फाइंड करें उसको प्रीवियस के साथ हम कंपेयर करते जाएं कि क्या वो उससे ग्रेटर है कि नहीं। प्रीवियस साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी मैम? ये मुझे नहीं पता। नहीं आप, अच्छा आप ट्राई करें, आप कुछ आप बताएं जो आपको सही लग रहा है वो बताएं। बिल्कुल एवरी टाइम हमें कंपेयर करना पड़ेगा ना, वो एक लूप लगाना पड़ेगा तो लूप की क्या होती है ऑफ एंड। बिल्कुल, क्योंकि देखिए लूप लगाना खाली मकसद वो नहीं है, दूसरी यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें हर एलिमेंट पे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, इसलिए ओ ऑफ एन है। ठीक है, अगर हमें वो तो हर उसके बगैर तो सर हमारी लॉजिक भी नहीं बनेगी ना। हाँ, इसका मतलब है कि ये वाली लॉजिक सही नहीं है कि अगर हर एलिमेंट पे हमें ट्रेवर्स करना पड़े, लॉग ऑफ एन उसने कहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पे क्या लगेगा जवाब भाई? काबिल काबिल लोग यहाँ जवाब भी फिर म्यूट है। लोगो फैन वाले कौन से होते हैं एल्गोरिथम बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च में। अच्छा, टू पॉइंटर्स के साथ हम करें। ये कैसे करेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, टू ये कैसे पॉइंटर्स 2 पॉइंटर्स के साथ? के साथ तो फिर हम ऐसे करेंगे तो कि फर्स्ट पॉइंटर हमारे यहाँ हो, सेकंड पॉइंटर या हाँ फर्स्ट पॉइंटर हमारे यहाँ हो, दोनों पॉइंटर हम यहाँ से स्टार्ट करें और फर्स्ट वाला लेफ्ट वाला यही हो और राइट वाला हम यहाँ पे मूव करें और उसको कंपेयर करवाएं। अच्छा, अगर वो नहीं होगा ना बड़ा, ओके फिर हम मूव करें नेक्स्ट पे, फिर हम कंपेयर करवाएं उससे प्रीवियस, फिर हम इस तरह से मूव करते जाएं लेफ्ट वाले के साथ कंपेयर करवाते जाएं राइट वाला। नहीं, बाइनरी सर्च होता नहीं है, बाइनरी सर्च होता है हाफ से जाएंगे, मिडिल पॉइंट से शुरू, और आप मिडिल पॉइंट से चेक करना शुरू करते हैं इन दो को। जैसे अगर मैं ये बता दूं तो हाँ आप हम फिर फिर आप फाइंड करेंगे मीड वाला। अच्छा, तो तो इस उसके तरह लिए से सर्च शॉर्ट करना पड़ेगा। हाँ उसके लिए कोड करना पड़ेगा, जो कि अभी जवाद भाई या मोमिन भाई दोनों लगे हुए होंगे उसी पर। ये बताते ही नहीं है और ये मतलब करके तो सेंड कर देते हैं कि ले भी हमने कर लिया। कहते हैं ना जलाने के लिए लोग कोड शेयर कर देते। जवाद भाई जी सर। सर जी हो गया? नहीं ब्रो, मैं तो जरा अभी डोमेस्टिक एल्गोरिथम्स लगा रहा था। देखा मैम, एक बार हम बात कर रहे थे। हाँ नहीं, अभी अभी वापस सीट पे आया हूँ मैं। तो क्या सीन है भाई, कहाँ पहुंचे? बाइनरी सर्च हाँ लगाना,
आपने लॉजिक डिस्कस करनी है, करें आप कोड शेयर करते हैं, आप मुझे लॉजिक क्वेश्चन भी क्वेश्चन समझ नहीं आया आप लोगों को। क्वेश्चन बेसिकली ये है, क्वेश्चन एक हमने सेकेंड यार, समझ मतलब लिया, क्वेश्चन हमने समझ लिया, क्वेश्चन, आप लॉजिक डिस्कस करें। अच्छा लॉजिक भाई देखें, अगर तो हम लोग एक नॉर्मल लूप लगाते हैं तो अपना सर आपकी आवाज, नॉर्मल लूप में तो वो नॉर्मल लूप में तो काम हो जाएगा, वो बोला मैक्स निकालने वाला ना, कि भाई वो सही लेफ्ट राइट पे भी चेक कर ले फिर हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जो ओ एन लॉग एन वाला, ये लॉग एन वाला काम है, तो वो तो बेसिकली हमें पता है वो बाइनरी से ही होता है। तो जहां तक मैं आपको बता सकता हूँ लॉजिक वो ये कि इसमें कुछ बाइनरी टाइप लगेगा, आगे मुझे नहीं आता। कोई कोई नहीं कोई, हम ट्राई करके देखते हैं ना, जाओ एक बाइनरी टाइप आएगा, बस वही आई थिंक वो यही कुछ शायद करना पड़ेगा कोई। मैं तो जैसे अपना लगा के वो कर रहा था कि मैंने अपने बनाए हुए था एक मिड मिड लेफ्ट मिड राइट बना के, और फिर मतलब तीन पॉइंटर्स बना के, और फिर कुछ वो कोशिश में लगा हुआ था मैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं मुझसे। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं। तो और कहीं और ठीक, एक चौथा पॉइंटर इंडेक्स वाला बना लें, और व्हाइल लूप में आई डोंट नो लाइक दिस कुड बी अ बैड यू नो अप्रोच, बट मैं ऐसे ट्राई कर रहा था फिलहाल। सही है, सारी अप्रोचेस सही हैं अगर वो काम करते हैं, बस ट्राई करते हैं। तो हमने मिड तक की रेंज निकाल ली, हमने कहा मैं सेशन एंड कर दूं, मैम टाइम हो गया। वो भी ट्राई है बस। तो ठीक हो गया, नहीं, आप सही कह रही हैं। अरे आज हम इसको एंड करते हैं, कल इसी सवाल से शुरू कर देंगे। श्योर, श्योर, इंश्योर। चल, आप लोगों से कल मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।